नागपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। 7 सितंबर को रेलवे स्टेशन गोरखपुर के बाहर धर्मशाला ब्रिज के पास से अगवा कर झाड़ियों में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म करने वाले तीनों अभियुक्तों को रेलवे जीआरपी थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तार करने वाली टीम को 10,000 का दिया पुरस्कार। एसपी रेलवे डॉक्टर अवधेश सिंह ने किया खुलासा। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ की 53वीं तथा राष्ट्रसंत ब्रह्मलीन महंत अवैध नाथ की आज पुण्यतिथि पर साप्ताहिक समारोह में संस्कृत एवं भारतीय संस्कृति विषयक संगोष्ठी में प्रख्यात संस्कृत शिक्षाविद पद्मश्री चमू कृष्ण शास्त्री ने कहा, भारत को जानने के लिए संस्कृत का ज्ञान है आवश्यक। संस्कृत एवं संस्कृति के समन्वय से ही साकार होगी एक भारत श्रेष्ठ भारत की धारणा। बंपर से रजिस्ट्रेशन नंबर छुपाने या हाई सिक्योरिटी नंबर नहीं लगाए ऑटो के खिलाफ एसपी ट्रैफिक एवं सीओ ट्रैफिक के नेतृत्व में चलाया गया अभियान। 55 ऑटो और 6 ई रिक्शा को यार्ड में भेजकर हटाया गया बंपर। सीओ ट्रैफिक जयप्रकाश सिंह ने कहा, अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार की गई कार्यवाही। दो दिवसीय प्रदेश जूनियर बालक बालिका एथलेटिक्स प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण के साथ हुआ समापन। मुख्य अतिथि सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने विजेताओं को किया पुरस्कृत। खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला, कहा, खूब खेलो, डटकर खेलो और कभी मत मानो हार, जरूर प्राप्त होगी सफलता। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ की 53वीं तथा राजसंत ब्रह्मलीन महंत अवैध नाथ की आज की पुण्यतिथि पर साप्ताहिक समारोह के अंतर्गत चल रहे सप्त दिवसीय श्री राम कथा के तात्विक विवेचन के 5वें दिन कथा व्यास ने कहा, जब तक पृथ्वी पर वेद का पारायण, गायत्री का जप, यज्ञ हवन होते रहेंगे, तब तक होती रहेगी पृथ्वी की रक्षा। देश की वन संपदा और वन्य जीवों के संरक्षण में बलिदान देने वालों को सम्मान देने के लिए मनाया गया राष्ट्रीय वन शहीदी दिवस। डीएफओ विकास यादव ने कहा, जंगल और जंगली जानवरों की सुरक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले कर्मचारियों को अर्पित की गई श्रद्धांजलि। थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए पुलिस लाइन में आयोजित किया गया स्वैच्छिक रक्तदान शिविर। एसपी ट्रैफिक द्वारा रक्तदान करने वाले लोगों को प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित। कहा, किसी भी दान करने से बड़ा महादान होता है रक्तदान। और गोरखपुर फुटबॉल लीग प्रतियोगिता के 4th दिन संतोष स्पोर्टिंग कोराबार व कोराबार फुटबॉल क्लब का मैच रहा बराबर। वहीं केंद्रीय विद्यालय एयरफोर्स ने केंद्रीय विद्यालय फर्टिलाइजर को 1-0 से किया पराजित। गोरखपुर फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव हमजा खान ने दी जानकारी। अब खबरें विस्तार से। रेलवे जीआरपी थाने की पुलिस ने आउटर पर सो रही महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी रेलवे डॉक्टर अवधेश सिंह ने पुलिस लाइन के सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर तीनों अभियुक्तों को रेलवे स्टेशन गोरखपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 9 के पश्चिमी छोर पर तिकोनिया पार्क के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान राजा उर्फ इम्तियाज मोहम्मद अंसारी पुत्र गुड्डू अंसारी ग्राम भरवा धर्मपुर वार्ड नंबर 5 थाना सलेमपुर जनपद देवरिया, दूसरा अंकित पासवान पुत्र प्रेम पासवान निवासी ग्राम गंदौली थाना राखो जनपद बेगूसराय बिहार, तीसरा संतोष चौहान पुत्र स्वर्गीय जयशंकर चौहान मोहल्ला कृष्णानगर चौराहा निकट सरस्वती विद्या मंदिर थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। एसपी रेलवे ने बताया कि 7 सितंबर को रात्रि करीब 11 बजे पीड़ित महिला एक व्यक्ति के साथ धर्मशाला रेलवे अंडरपास पुल के पश्चिम तरफ सब्जी मंडी के पास सिलापट पर बैठकर बात कर रही थी। उसी समय तीन व्यक्ति वहां पहुंचे और महिला के पास बैठे हुए व्यक्ति को जबरदस्ती धमकाकर भगा दिए और महिला को जबरदस्ती पकड़कर डरा धमकाकर तीनों व्यक्ति सब्जी मंडी के पास ही झाड़ियों में ले गए, जहां पर तीनों व्यक्तियों ने महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और पीड़िता को वहीं पर छोड़कर भाग गए।
पीड़िता किसी तरह दर्द से कराहते हुए रेलवे स्टेशन गोरखपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर स्थित थाना जीआरपी गोरखपुर के पास पहुंची। प्रभारी निरीक्षक थाना जीआरपी गोरखपुर द्वारा पीड़िता के बताए गए तथ्यों के आधार पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर पीड़िता का उपचार व चिकित्सकीय प्रशिक्षण कराने हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ पीड़िता का इलाज हो रहा है। अब वह सामान्य स्थिति में है। गिरफ्तार करने वाली टीम को 10,000 रुपये का पुरस्कार दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में जीआरपी थाना प्रभारी विजय प्रताप सिंह, विनोद कुमार राय, विजय शंकर यादव, उप निरीक्षक रामदयाल यादव, हेड कांस्टेबल पवनीश कुमार पांडे, आशुतोष कुमार सिंह, कमल सिंह, उदय शंकर, सूर्य प्रकाश चौधरी, राम सिंह शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP रेलवे डॉक्टर अवधेश सिंह ने कहा, पीछे आओ मोहर्रम पीछे आओ ठीक है। मास्क लगा जो इसमें मोबाइल है उसी मोबाइल फोन के सर्विलांस में उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह है, उसके आधार पर किसी भी जो भी तथ्य आते हैं सामने उसको हम तस्दीक करेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। विवेचना हमारी चल रही है अभी। 7 तारीख की रात में करीब 11:30 बजे एक महिला रेलवे स्टेशन पर आई और उन्होंने ये बताया कि उनके साथ कुछ लोगों ने दुष्कर्म किया है। इस सूचना के आधार पर एक तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया, उनको मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया और उस घटना के अनावरण के लिए जनपदीय पुलिस द्वारा और मेरे द्वारा टीम अलग अलग गठित की गई। जनपदीय पुलिस के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस अधीक्षक क्राइम के नेतृत्व में और गोरखनाथ सीओ के नेतृत्व में शाहगंज गोरखनाथ के इंस्पेक्टर साहब लगे थे। हमारे तरफ से सीओ जीआरपी के नेतृत्व में 5 टीमें गठित की गई थी, जिसमें गोंडा बस्ती और हमारे 5 SO लगे थे। इन टीमों के संयुक्त प्रयास से अभियुक्तों को चिन्हित किया गया और उसमें से 3 अभियुक्त आज गिरफ्तार किए गए हैं, उनको जेल भेजा जा रहा है। ये अभियुक्त यही स्टेशन के आसपास कबाड़ी का काम करते थे। एक अभियुक्त उसमें से बिहार का रहने वाला है और 2 यहीं के लोकल रहने वाले हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है। अभी तक 3 अभियुक्त चिन्हित हुए हैं, विवेचना हमारी प्रचलित है और जो भी कार्यवाही आगे है उसको की जाएगी। महिला महाराजगंज की रहने वाली थी और उनकी शादी नेपाल में हुई थी। उनके पति से उनका तलाक हो गया था और घर से कुछ विवाद हुआ, जिसके नाते वो गोरखपुर चली आई थी और यहाँ करीब 7 दिन पहले से ही विभिन्न स्थलों पर उनका लोकेशन प्राप्त हुआ। देखिए, हमने पहले बताया ना कि हमने 5 टीमें गठित किया और SP क्राइम के नेतृत्व में भी टीम गठित थी। एक टीम हमारी जो पीड़िता महिला थी वो SP क्राइम के नेतृत्व में वहाँ पहले से ही मौजूद थी, हमेशा उसके संपर्क में रही। जो हमारी इन्वेस्टिगेशन की टीम थी इन्वेस्टिगेशन में लगी थी, जो सर्विलांस की टीम थी वो सर्विलांस के काम में लगी हुई थी, जो अभियुक्तों की तलाश में टीम थी वो अभियुक्तों की तलाश में लगी हुई थी। इस तरह से जनपदीय पुलिस और रेलवे पुलिस के संयुक्त प्रयास के फलस्वरूप ये सफलता हमें हासिल हुई। अब जो भी विधिक प्रक्रिया है उसको अपनाते हुए कठोर से कठोर दंड देने के लिए इनके विरुद्ध कार्रवाई कराई जाएगी। ये तो न्यायालय में प्रकरण चलेगा, इसका बहुत ही अच्छे ढंग से पैरवी की जाएगी और सख्त सख्त
सजा का प्रयास कराया है। हाँ, 10,000 रुपये टीम के पुरस्कार की घोषणा मैंने किया है। इसमें से कोई अभियुक्त ऐसा नहीं है जिसने इसके पहले कोई घटना रजिस्टर्ड उनके खिलाफ नहीं है। लोकेशन मिला वहाँ से इनको गिरफ्तार नहीं, जो पकड़े गए हैं ये रेलवे स्टेशन के पास से पकड़े गए हैं, वहीं पर नहीं थे उस समय आ गए थे, वहीं थे, वहीं से गिरफ्तारी वहीं से हुई। ये स्टेशन पर ही कबाड़ का काम, स्टेशन के आसपास जो एरिया है वहीं कबाड़ बिनने का काम करते हैं, तो आपस में जुड़े हुए हैं उसी से। इसमें नहीं है वो व्यक्ति जिसको उसने मोबाइल फ़ोन अपना दिया था, उसी के साथ उसका आना जाना था। हाँ, उसका नाम इसमें नहीं है, लेकिन जिसको उसने मोबाइल फ़ोन दिया था वही व्यक्ति था, उसी के साथ वो गई है वहाँ पर। और 7 तारीख को ही उसके साथ एक आध बार और वो निकली थी घूमने के लिए। ये सारी बातें हैं, विवेचना भी प्रचलित है। और अभी तो वादिनी का 164 का बयान होगा, सारी प्रक्रिया है। हाँ, ऑपरेशन हुआ है। नहीं, ज़्यादा बड़ा नहीं था, बिल्कुल स्वस्थ है वो, इस समय सामान्य स्थिति है। हमारी SP क्राइम लगातार सुपरविजन में थी, लगातार हमारी महिला कांस्टेबल वहाँ पर हैं। अब ये तो डॉक्टर बता सकते हैं उसके बारे में, वो टेक्निकल चिकित्सकीय चीज़ है। भारतीय भाषाओं के संवर्धन हेतु केंद्रीय उच्च शिक्षा मंत्रालय की उच्च अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष, प्रख्यात संस्कृत शिक्षाविद एवं संस्कृत भारती के सह संस्थापक पद्मश्री चमू कृष्ण शास्त्री ने कहा कि भारत को जानने के लिए संस्कृत का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि संस्कृत और भारत की मूल संस्कृति को अलग अलग नहीं समझा जा सकता। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संस्कृत ज्ञान प्रणाली के विकास पर जोर इसलिए दिया गया है कि हम संस्कृत और संस्कृति के समन्वय से एक भारत श्रेष्ठ भारत की धारणा को साकार कर सके। श्री शास्त्री युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 53वीं तथा राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की 8वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह के अंतर्गत रविवार को संस्कृत एवं भारतीय संस्कृति विषयक संगोष्ठी को बतौर मुख्य वक्ता संबोधित कर रहे थे। उन्होंने संस्कृति शब्द की सर्गार्भित व्याख्या करते हुए कहा कि किसी कार्य को स्वाभाविक रूप से करना प्रकृति, आशिष्टता से करना विकृति तथा स्वाभाविकता के पुट में परिष्कृत रूप में करना संस्कृति है। उन्होंने कहा कि विगत 150 सालों से अंग्रेजी के कल्चर शब्दों को संस्कृति का पर्याय मान लिया गया है, यह मान्यता उचित नहीं है। कारण, भारतीय संस्कृति बहुव्यापकता वाली है। यह दर्शन, कला, संगीत, ज्ञान, विज्ञान आदि सभी को समाहित करते हुए समग्र रूप में जीवन पद्धति है। पद्मश्री शास्त्री ने देश के नाम भारत का अर्थ समझाते हुए बताया कि भा अर्थात प्रकाश या ज्ञान में रत रहने वाला, मानव जीवन के आरंभ से ही भारत ज्ञान विज्ञान में रत रहा है। वर्तमान में किसी देश में अलग अलग जिन व्यवस्थाओं यथा अर्थव्यवस्था, कृषि व्यवस्था, पंचायत व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था आदि को तय किया जाता है, वे सभी भारत में प्राचीन काल से ही विद्यमान थी। इसका उल्लेख संस्कृत के ग्रंथों में मिलता है, लेकिन संस्कृत भाषा का ज्ञान ना होने से बहुत से लोग इसे जान नहीं पाते। पद्मश्री शास्त्री ने कहा कि समूची मानवता के हित में भारतीय ज्ञान परंपरा का पुनरुत्थान होना आवश्यक है और ऐसा कर पाने की क्षमता संस्कृत में है। संगोष्ठी के विशिष्ट वक्ता उत्तर प्रदेश संस्कृत अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर वाचस्पति मिश्र ने कहा कि संपूर्ण ज्ञान की मूल संस्कृत में भारत को विश्वगुरु बनाने की क्षमता है। संस्कृत भारत की आत्मा है और वह इसकी संस्कृति को प्रवाहमान बनाती है। उन्होंने कहा कि अलग अलग समय में चीनी यात्रियों फाहियान, ह्वेनसांग और इतिसिंग ने भारत आने से पूर्व जावा देश जाकर संस्कृत का अध्ययन किया था, क्योंकि उन्हें पता था कि संस्कृत को जाने बिना भारत को नहीं जाना जा सकता। वैदिक काल में शिक्षण व्यवस्था संस्कृतिष्ठ थी, तब संपूर्ण समाज वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिना की भावना से जीता था। डॉक्टर मिश्र ने कहा कि संस्कृत में ज्ञान विज्ञान की वह अमूल्य निधि है जो राष्ट्र की परम वैभव पर ले जा सकती है। संगोष्ठी में अपने विचार व्यक्त करते हुए असर्पी भवन अयोध्या के पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्रीधराचार्य ने कहा कि समस्त शब्दों वाक्यों का जन्म संस्कृत से ही हुआ है।
यह सबको साथ चलने की संस्कृति का पोषक है। विश्व में ऐसा कोई देश नहीं जहां संस्कृत ना पहुंची हो। वैज्ञानिक मानते हैं कि कंप्यूटर के लिए सबसे अनुकूल भाषा संस्कृत है। प्राचीनतम और समृद्धतम भारतीय ज्ञान परंपरा को पुनः उसका गौरव दिलाने के लिए वर्तमान दौर में संस्कृत के सरलतम तरीके से अध्ययन अध्यापन की आवश्यकता है। दिगंबर अखाड़ा अयोध्या से पधारे महंत सुरेश दास ने कहा कि सभी भाषाओं की जननी संस्कृत के ज्ञान के बिना भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से नहीं समझा जा सकता। संगोष्ठी की अध्यक्षता महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह ने की। प्रोफेसर सिंह ने कहा कि भारत की ज्ञान परंपरा वेदों पुराणों उपनिषदों में समाहित है और ये सभी संस्कृत में है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की धारणा में संस्कृति अपरिहार्य तत्व है। भारतीय संस्कृति में तो सिर्फ एक मां शब्द में ही विशद संस्कृति की व्याख्या की जा सकती है। संगोष्ठी का संचालन डॉक्टर श्री भगवान सिंह ने किया। संगोष्ठी का शुभारंभ ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ एवं ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के चित्रों पर पुष्पांजलि से हुआ। वैदिक मंगलाचरण डॉक्टर रंगनाथ त्रिपाठी व गोरक्ष अष्टक का पाठ गौरव तिवारी और आदित्य पांडे ने किया। इस अवसर पर महंत शिवनाथ, महंत लालनाथ, महंत गंगादास, राम मिलनदास, योगी रामनाथ, महंत मिथिलेशनाथ, महंत रविन्द्रदास, महंत पंचाननपुरी, गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। ये विप्र, क्योंकि हनुमान जी उस समय वेश बदल कर आए थे, बहुत जल्दी बोलने के बाद भी इसके कोई मुख से अपशब्द नहीं निकला, कोई त्रुटि नहीं हुई, इसलिए क्योंकि इसने कई बार व्याकरण का अध्ययन किया होगा। आज व्याकरण का अध्ययन लोग कम करते हैं। अर्थ करी विद्या कौन सी है? ज्योतिष, कर्मकांड। लेकिन समस्त शब्दों का, वाक्यों का, वचनों का, शास्त्रों का मूल यदि कोई है, व्याकरण शास्त्र को क्या कहते हैं? मुखम व्याकरणम। व्याकरण शास्त्र मुख है और मुख से ही बोला जाता है, इसलिए व्याकरण का अध्ययन परम आवश्यक है। संपूर्ण विश्व में आज कोई ऐसा देश नहीं जहां संस्कृत का लोग अध्ययन अध्यापन न कर रहे हो, लेकिन इसका बहुत ह्रास हुआ है और अभी भी हो रहा है। कई कई विद्यालयों में पठन पाठन बहुत कम है, क्योंकि हमें लगता है कि कहीं ना कहीं विद्वानों की भी इसमें कमी रही है। अलग अलग शास्त्रों की एक मर्यादा है हमारे मध्य में। इस विद्वत सभा में दिल्ली से पधारे हुए परम विद्वान पद्मश्री शास्त्री जी विराजमान हैं। अभी पूर्व में आपने जिनका वक्तव्य सुना, परम विद्वान श्रीमान वाचस्पति मिश्र जी विराजमान हैं। शास्त्रों की अलग अलग मर्यादा है, अर्थात व्याकरण शास्त्र की मर्यादा है सप्त पर विचार करना, शब्द शास्त्र कहते हैं। इसी प्रकार न्याय दर्शन का उद्देश्य है पदार्थों का विचार करना, विमान, और इसी प्रकार से आपके वेदांत का उद्देश्य है आत्मा पर विचार करना, लेकिन एक दूसरे को सांकर्य कर दिया अपनी विद्वता दिखाने के कारण। व्याकरण में न्याय को प्रवेश दे दिया। सीधी सीधी अगर सूत्रों को ही याद करके या लघु कौमुदी मान लिया याद करके, प्राचीन व्याकरण में तो आज भी इसीलिए अष्टाध्यायी के अनुसार अध्ययन कराया जाता है, लेकिन शब्देन्दु शेखर पढ़ने लगे, कितने न्याय के इसमें प्रवेश पद के कर दिए, तो सुप्त प्राय है जागृत होगी और युवाओं की पढ़ने की रुचि भी जागृत होगी, और फिर संस्कृति तो भारतीय संस्कृत के ग्रंथों में भरी पड़ी है। कहीं से देखो, प्रारंभ से कोई भी ग्रंथ उठाओगे उसमें संस्कृति का अद्भुत समागम है। ऐसी संस्कृति कहां है? कहीं मिलेगी? जहां गौ की पूजा होती हो, जहां पीपल को ईश्वर मानते हो। सारे विश्व ने समझ लिया कि भारतीय संस्कृति कितनी दिव्य है, गहन है, श्रेष्ठ है,
कोरोना काल में पता चल गया ना कि ऑक्सीजन का कितना महत्व है। भारतीय संस्कृति को लोगों ने समझ लिया कि बस समय समय पर ही केवल हाथ मिलाओ, इसमें हाथ मिलाना भी छोड़ दिया था लोगों ने। एक दूसरे का भोजन कराया, घर वाले एक दूसरे से मिलना छोड़ दिए थे। पहले तो भारतीय संस्कृति का लोग मजाक करते थे, लेकिन कोरोना कालखंड में पता चल गया कि भारतीय संस्कृति धरती के हर व्यक्ति के लिए अनुकूल है। ऐसी भारतीय संस्कृति और संस्कार और संस्कृत के उत्थान के लिए जिन महापुरुषद्वय ने महान कार्य किया है, उनकी पावन पुण्य स्मृति में आज अपनी वाक पुष्पांजलि अर्पण करते हुए अपने वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य महाराज जी। हम कभी कभी भारत पर सांस्कृतिक आक्रमण की चर्चा करते हैं, चिंता व्यक्त करते हैं, लेकिन मित्रों आप सब आज मीडिया का दौर है, देखते होंगे कि तमाम सारे यूरोपियन देशों में संस्कृत की पठन पाठन की पूरी जोर शोर से व्यवस्था है, और तमाम सारे वीडियो देखते होंगे कि संस्कृत के माध्यम से अमेरिका के व्हाइट हाउस में पूजन अर्चन किया जा रहा है, वेद मंत्रों के साथ किया जा रहा है, ओबामा अपने पास हनुमान चालीसा लेके चलते हैं। तो भारतीय संस्कृत का काफी कुछ अंगीकार स्वीकार करने का दौर अब आ रहा है। हम सबको अपने अंदर झांकने की जरूरत है कि हम संस्कृत को कितना गौरवशाली बनाते हैं, सीखते हैं, बोलते हैं, प्रयास करते हैं। हम सब जिनको सुनने के लिए व्यग्र और लालायित हैं, उनको सुनने के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूं नई दिल्ली से पधारे भारतीय भाषाओं के संवर्धन हेतु केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के उच्चाधिकार समिति के अध्यक्ष और भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित परम आदरणीय मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में श्री चमू कृष्ण शास्त्री जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं अपने उद्बोधन और मार्गदर्शन के लिए। आदरणीय शास्त्री जी, मंच आसीनानां सर्वेषां महतां साधु सतां चरणेषु नमामि। सभायां उपस्थितानां छात्राणां प्राध्यापकानां सर्वेषां भवतां कृते नमस्कारः। अहम् संस्कृत भाषया भाषणं करोमि, परन्तु मंदं मंदं भाषणं करोमि, चिंतां मा करोतु। द्वयोः संगमः करणीयः, द्वयोः मेलनं करणीयं, तेन वयं नूतन भारत विकासं कर्तुं शक्नुमः। नूतन शिक्षा नीति मध्ये उक्तं किल, एक भारत श्रेष्ठ भारत इति। एक भारत श्रेष्ठ भारत, तत् एक भारत श्रेष्ठ भारत निर्माणं अस्माकं सर्वेषां कार्यं भवेत्, जीवन लक्ष्यं भवेत्। संस्कृत भाषा किमर्थम्? एक भारतार्थम्, एक भारतम्। एक भारत इत्यस्य अर्थः कः? भारतस्य एकता, भारतस्य एकात्मता। भारतस्य एकता सूत्र दृढ़करणाय संस्कृत भाषा, भारतीय भाषा अपि च भारतीय ज्ञान परंपरा,
भारतीय ज्ञान परंपरायाः भारतीय भाषा द्वारा भारतीय ज्ञान परंपरायाः पुनरुत्थानम् भारतीय ज्ञान परंपरा पुनरुत्थानेन नवाचाराः नव आविष्काराः नूतन व्यवस्थाः भारतीय तत्वानां आधारेण नव भारत निर्माणस्य नव व्यवस्थाः चिन्तनीयाः एवं भारतीय ज्ञान परंपरा पुनरुत्थानेन भारतस्य पुनरुत्थानम् भारतस्य पुनरुत्थानेन भारतं पुनः विश्वगुरुः भवेत् इति तद् अस्माकं लक्ष्यं भवेत् अहम् अधिकं ज्ञान दानं मम कार्यं नास्ति दीर्घ भाषणं न करोमि परन्तु अत्र ये युवकाः युवत्यः सन्ति भवतां कृते एकां कथां उक्त्वा अहं समाप्तिं करोमि एतस्याः कथायाः कथनस्य एक उद्देशः अस्ति यथा तस्य युवकस्य जीवने प्रशंसायाः अपेक्षा न आसीत् राज्यस्य इच्छा न आसीत् अर्थस्य इच्छा नासीत् परन्तु एकं महत् ध्येयम् आसीत् तत् ध्येयार्थं जीवनं कृतवान् तद्वत् वयमपि एक ध्येयार्थं जीवनं कुर्मः एकभारताय श्रेष्ठभारताय नवभारत निर्माणाय तादृश सुंदर ध्येयाय यदि वयं जीवनं कुर्मः जीवनस्य अंतिम श्वासम् अपि पर्यन्तं कार्यं कुर्मः तर्हि भारतम् अपि श्रेष्ठं भवति व्यक्ति जीवनम् अपि श्रेष्ठं भवति नमो नमः हम सबको मिलकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत सशक्त भारत समर्थ भारत की रचना करने में अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए इस संदेश के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शास्त्री जी और अब सभा के अंतिम पायदान पर अध्यक्षीय उद्बोधन और आशीर्वचन के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूं अपने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के आदरणीय अध्यक्ष प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह साहब को प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह योग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिव्यनाथ जी महाराज की पुष्पर्णी योग राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत महंत अवैध पूजनी महंत अवैधनाथ जी महाराज की आठवीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित ये जो कार्यक्रम चल रहा है उसका आज स्मृति व्याख्यान माला का चौथा दिन है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय शाश्वत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आज यहाँ उन्होंने विद्वान वक्ताओं के का प्रबोधन आपको सुनने को मिला विषय है संस्कृत और भारतीय संस्कृति लगभग हर वर्ष इस विषय पर चर्चा होती है आज के कार्यक्रम में हमारे पूज्य संत महात्मा गण यहाँ पर हैं और अयोध्याधाम से पधारे कथा व्यास अनंत विभूषित जगत गुरु रामानुजाचार्य जी स्वामी श्री शेषाचार्य जी महाराज और अयोध्याधाम से ही पधारे पूज्य महंत शेषराज जी महाराज कटक उड़ीसा से पधारे महंत शिवनाथ जी दास महाराज नीवच मध्य प्रदेश से पधारे महंत लालदास जी महाराज गुजरात से पधारे पूज्य महंत गंगादास जी महाराज अयोध्या धाम से पधारे पूज्य महंत राम बिहनदास जी महाराज मंदिर के मुख्य पुजारी पूज्य देवी कमलनाथ जी महाराज तुलसीपुर देवी शक्तिपुर से पधारे
पूज्य महंत मिथिलेन्द्रनाथ जी महाराज, कालीबाड़ी के महंत रविन्द्रनाथ जी महाराज, काशी से पधारे योगी रामनाथ जी महाराज, सिंचाई धाम से पधारे पूज्य महंत पंचानंद पुरी, और हमारे आज दो बहुत ही विद्वान वक्ताओं का विचार आपको सुनने को मिला। दिल्ली से पधारे भारतीय भाषाओं के संवर्धन के हेतु केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के उच्चाधिकार समिति की अध्यक्ष पद्मश्री श्रद्धेय श्री जम्मू कृष्ण शास्त्री जी, और उत्तर प्रदेश संस्कृत अकादमी के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर वाचस्पति मिश्र जी, मैं आप लोगों का महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की ओर से और आयोजन समिति की ओर से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और उसके साथ साथ आज के कार्यक्रम में जो आपका उद्बोधन मिला आपको बरसते सबके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। विषय महत्वपूर्ण है, मुझे विल ड्यूरेंट का एक कथन याद आता है। उन्होंने कहा था, इंडिया इज द मदर ऑफ ह्यूमन रेस, पाश्चात्य विज्ञान थे, एंड संस्कृत इज द मदर ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस, भारतीय यूरोपीय भाषाओं की जननी उन्होंने कहा संस्कृत है। न केवल भारतीय भाषाएं बल्कि जो पाश्चात्य भाषाएं हैं, यूरोप की भाषाएं हैं, उनकी जननी को उन्होंने कहा था संस्कृत है। शी मतलब इंडिया इज द मदर ऑफ आवर फिलॉसफी, मदर ऑफ आवर मैथमेटिक्स, एंड मदर ऑफ द आइडियल्स इनशाइंड इन क्रिश्चियनिटी। मोस्ट इंस्ट्रक्टिव एंड मोस्ट इंस्पायरिंग नॉलेज इज ट्रेजर्ड इन इंडिया ओनली, सबसे प्रेरक और सबसे प्रभावशाली जो ज्ञान परंपरा है वो भारतवर्ष में है। भारतवर्ष में ज्ञान परंपरा कहाँ है? हमारे वेदों, उपनिषदों, पुराणों, अन्य जो हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं या उनके अंदर है, जो सब के सब संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। इससे बड़ा है भारतवर्ष का सारा ज्ञान परंपरा जो हम लोगों ने विश्व को दिया है, विश्व ने उसको ग्रहण किया है, वह संस्कृत भाषा में है हमारे वेदों पुराणों के अंदर। सबसे पहले श्लोकों की रचना संस्कृत भाषा में हुई, व्याकरण शास्त्र ग्रामर का डेवलपमेंट सबसे पहले संस्कृत भाषा में हुआ। वेदों पुराणों में ज्ञान विज्ञान का अपार भंडार है जो संस्कृत भाषा में है। ऋग्वेद विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं, संस्कृत भाषा में है। और मैं गणित का एक विद्यार्थी रही हूँ, गणित का अध्यापक रहा हूँ। वैदिक गणित बहुत प्रभावी गणित है, वो वेदों से आई है, उसका भी मूल सूत्र संस्कृत भाषा में है। तो ये इसने बहुत कुछ दिया है, ज्ञान के क्षेत्र में दिया है, विज्ञान के क्षेत्र में दिया है, गणित के क्षेत्र में दिया है, साहित्य के क्षेत्र में दिया है, कला के क्षेत्र में दिया है, दर्शन के क्षेत्र में दिया है संस्कृत भाषा ने। तो ऐसी संस्कृत भाषा के ऊपर आज विद्वान लोगों का आपका प्रबोधन मिला, और मैं समझता हूं कि आप इससे लाभान्वित होंगे। मैं अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक कथन आपके सामने रखना चाहता हूं। जानते हैं कि सबसे बड़े उसके चर्ची के सबसे बड़े वैज्ञानिक माने जाते हैं। उन्होंने कहा था, विज्ञान की सारी गतिविधियां, सारी उपलब्धियां, सारे अन्वेषण विश्व को वह सुख शांति संतुलन नहीं दे सकती है जिसकी की मानवता अपेक्षा करती है, और दूसरी ओर इंद्र का प्रत्यायुत यही होगा। तो जब कभी ये हमारी भारतीय कहीं कोई कोई विचारधारा रखता हो, कुछ भी रखता हो, भारतीय ये भारतीय संस्कृति की पहचान है, वो भारतीय संस्कृति के प्रति उसे समर्पित होना पड़ेगा। और इस देश का निर्माण, मानवता का कल्याण के लिए अगर कोई सबसे शक्तिशाली सूत्र है तो भारतीय संस्कृति। इन शब्दों के साथ
मैं एक बार सभी यहाँ आए हुए लोगों को के प्रति, संतों महात्माओं के प्रति की चरण स्पर्श करते हुए और अपने हमारे दो प्रमुख वक्ताए हैं श्री शास्त्री जी, आदरणीय श्री शास्त्री जी और हमारे दूसरे वक्ता जो हैं उनको भी मैं धन्यवाद देते हुए अपनी बात को मान लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको धैर्य पूर्वक सुनते रहने के लिए। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह एवं सीओ ट्रैफिक जयप्रकाश सिंह के नेतृत्व में काली मंदिर चौराहे पर ऑटो पर लगे बम्पर के विरुद्ध अभियान चलाया गया। जिन ऑटो पर बम्पर लगा हुआ मिला उसे वहीं पर तुरंत निकलवाया गया और करीब 55 ऑटो को यार्ड में भेजा गया तथा हिदायत दिया गया कि आगे कोई भी ऑटो पर बम्पर लगाकर ना चले। जिसके संबंध में ट्रैफिक सीओ जयप्रकाश सिंह ने बताया कि शहर में जितने अधिकृत रूप से रजिस्ट्रेशन नंबर छुपाकर या जो हाई सिक्योरिटी नंबर नहीं लगाए हैं उनके खिलाफ अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की गई, जिसके तहत करीब 55 ऑटो और 6 ई रिक्शा को यार्ड में ले जाकर जिस रॉड से उनका नंबर प्लेट ढका था उस रॉड को हटाया गया और अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ट्रैफिक सीओ जयप्रकाश सिंह ने कहा, बोलना भी है और सबको बताना भी है, नहीं तो जब जाओ तो वहाँ पर तो कार्रवाई भी हो रही है फिर मतलब जुर्माना भी लगेगा, खोल लोगे तो जुर्माना बना नहीं लगेगा और आप खोलो सबको बताना भी जाएगा, ठीक है और सर बता रहे हैं आपको, आप वहाँ भी खड़े इधर आइए लाइन में नहीं इनका पता चलेगा कोई देख नहीं पाएगा, इसीलिए लगाते हैं सब पाई, इसका भी पूर्णतः ठगा हुआ ये नंबर प्लेट जो है नंबर दिख ही नहीं रहा, हाँ दिखता नहीं, दिखेगा नहीं तो ये कहीं एक्सीडेंट करके भाग जाए तब भी नहीं, चलो लगा रहा मैं दोबारा खोल लीजिए, जितने तुम्हारे सर्किल में चलते सबको बताना, सबको बताना भी, ठीक है ये काम जरूर करना दीजिए, बैठा दीजिए और अपना खोल मिलो, सबको बताना भी सर किस तरह का अभियान चलाया जा रहा है।
आज शहर में जितने अनधिकृत रूप से ऑटो चल रहे हैं, जो रजिस्ट्रेशन नंबर को छुपा के चल रहे हैं, या जो HSRP रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगवाए हैं, उनके खिलाफ जो है अभियान के तहत कार्रवाई की गई। इसका निर्देश श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्राप्त हुआ था, जिसके क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक यातायात महोदय के पर्यवेक्षण में मेरे नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई, जिसके तहत करीब 55 ऑटो और 6 ई रिक्शा को जो है यार्ड में ले जाकर उनका नंबर प्लेट जिस रॉड से ढका था उसको हटवाया गया और अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की गई। ऑटो के लगे तत्काल नंबर भी हटाया गया। हाँ, हटवाया गया है, मौके पर भी हटवाया गया, और जो मौके पर नहीं हट पाया उसको यार्ड में भेज के हटवाया गया और नियमानुसार कार्रवाई की गई। और विदाउट हेलमेट के जो चल रहे हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की गई, ट्रिपल राइडर के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। हाँ, लेफ्ट लेन को खाली रखने के लिए लगातार प्रसारण चल रहा है, जो इसका उल्लंघन कर रहे हैं उनका भी MB एक्ट के तहत चालान किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश एथलेटिक्स संघ के समन्वय से चल रहे 2 दिवसीय प्रदेश जूनियर बालक बालिका एथलेटिक्स प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण एवं समापन किया गया, जिसमें प्रदेश के 18 मंडलों की टीमों ने इस खेल में प्रतिभाग किया, जिसके मुख्य अतिथि सदर सांसद रवि किशन शुक्ला एवं वरिष्ठ अतिथि सहजनवा विधायक प्रदीप शुक्ला रहे। क्षेत्रीय क्रीडा अधिकारी आले हैदर ने मुख्य अतिथि एवं वरिष्ठ अतिथि को बैच लगाकर तथा बुके देकर स्वागत किया तथा प्रतियोगिता में भाग लिए सभी को सदर सांसद ने पुरस्कृत किया, जिसके संबंध में सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने बताया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा खिलाड़ियों के प्रोत्साहन एवं खिलाड़ियों को गांव-गांव में जिम, व्यायामशाला, खेल मैदान को विकसित करने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के खिलाड़ियों को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने खिलाड़ियों से कहा कि खूब खेलो, डटकर खेलो और हार कभी मत मानो, सफलता जरूर प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सभी गांव, देहात और शहर के बच्चों को आगे बढ़ा रही है। इस अवसर पर पूर्व पार्षद राजेश कुमार पांडे, समरेंद्र विक्रम सिंह, नफीज अहमद, सुजीत कुमार, रीना सिंह, अरुण श्रीवास्तव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने कहा, बहुत भोजपुरी के बेहतरीन और बहुत ही मशहूर एक्टर हैं और युवाओं के दिल में राज करते हैं, युवाओं की इच्छाओं पर राज करते हैं। और हमारे पीछे मैं खिलाड़ियों से अनुरोध करता हूं कि एक भव्य और जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। श्री प्रदीप शुक्ला जी, माननीय सांसद जी, हमने मैसेज भेजा कि आपको खिलाड़ी याद कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आता है। हालवा सब लोगों का बोला भारत माता की, भारत माता की। मैं खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश एथलीट संघ के समन्वय आयोजित प्रदेशी जूनियर बालक बालिका तथा एथलीट के प्रतियोगिता के समापन की आज घोषणा करता हूं, और साथ साथ मैं मंच पर हमारे आजकल एकदम अद्भुत जो छाए हुए हमारे विधायक जी प्रदीप शुक्ला जी का मैं अद्भुत स्वागत करता हूं, और एक विधायक के रूप में उनकी कार्यशैली सहजनवा क्षेत्र में और समस्त उत्तर प्रदेश पूर्वांचल के लिए एक मिसाल बनती जा रही है। मुझे महाराज जी के गौरव हैं, गर्व हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी की सेना के रूप में हम लोग सेवा जो कर रहे हैं। मनीष सिंह जी को मैं
साधुवाद देना चाहूंगा, एनडी सोलंकी जी को मैं साधुवाद देना चाहूंगा, आदित्य प्रताप सिंह जी को मैं साधुवाद धन्यवाद देना चाहूंगा, बालकृष्ण अग्रवाल जी को, श्री अरुण श्रीवास्तव जी को। और व्यवस्थाएं थी न, सपनों को पूरा करना था, मुझे बंबई भागना पड़ा अपने सपनों को पूरा करने के लिए, लेकिन आज सपने आपके गांव चलकर आ रहे हैं। आपके साथ प्रदेश की सरकार है, आपके साथ मोदी जी है, आपके साथ योगी जी है। आज आप लोग ओलंपिक्स में जा सकते हो, आज गांव के लड़के हमारे नाम कर रहे हैं ओलंपिक्स में। आज भारत चाइना और अमेरिका से कहीं भी किसी भी अवार्ड या ओलंपिक, आप लोग खेलो, आप लोग गाओ, आप लोग पढ़ो, सरकार आपके साथ है। आप लोग हिम्मत दिखाओ, कोई चीज की कमी नहीं होगी, ना आप लोगों की किट में, ना आप लोगों के लिए ग्राउंड में, ना आप लोगों के लिए जिम में, ना आप लोगों की कोचिंग में। खाली खेला हो, आगे बढ़ा, हर तरीके से सरकार साथ दी। पूज्य महाराज जी का ही वादा बा, ई वचन बांटे, हमारे मोदी जी का ही वादा बा, ई वचन बांटे, मेरे देश के बच्चे, मेरे प्रदेश के बच्चे, मेरे उत्तर प्रदेश के बच्चे, मेरे पूर्वांचल के बच्चे, मेरे गोरखपुर के बच्चे, आगे बढ़े, हम लोग साथ हैं। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, विजेता टीम को मैं साधुवाद धन्यवाद देता हूँ, सेकंड रनर अप को भी, थर्ड रनर अप को भी, आगे बढ़ो, हार नहीं होती, हर हार के बाद जीत होती है। मेरी कुछ फिल्म ड्रॉप भी हुई थी, कभी हिट हुई, फिर मैं सुपरस्टार बना, लेकिन मैं कभी हिम्मत नहीं हारा। इसमें खिलाड़ियों को कौन सी चीज लगानी होती है? निवेदन करता हूं जो हमारे पोडियम के सामने खड़े हैं कि कृपया साइड में आप उधर बैठ जाइए, स्टेयर्स पे बैठ जाइए। ना आपका मनोबल बढ़ाया जा रहा है, हौसला अफजाई कर रहे हैं। खिंचाओ खिंचाओ बेटा, खिंचाओ बेटा, खिंचाओ। खिलाड़ी एक एक खिलाड़ी और ऑफिशियल और कन्हैया आगरा, अभिषेक कुमार और कन्हैया राज, अभिषेक कुमार और कन्हैया तीनों थर्ड कौन है? आ जाओ बेटा, बनारस, मेरठ, 400 मीटर हटे मेरू के साथ तुम लोग बहुत आगे जाओ, कोई बात नहीं। देखो जो यहाँ देख रहे आयुष और तन्वी रेमन, मेरठ, लखनऊ, बनारस, सब बच्चे हैं। ये कौन से बच्चे हैं? एक एक मिनट, थोड़ा विक्ट्री करो, थोड़ा अभी झंडा अवरोध। आइए मैं धन्यवाद दूंगा यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को, पूज्य योगी महाराज जी को, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। मोदी जी का सपना था कि गांव देहात के लड़के ओलंपिक्स में जाए, और ओलंपिक में आज हम लोग मेडल लेके आ रहे हैं। हम लोगों की का रिजल्ट बहुत अच्छा है, आज उसी को लेके राज्य सरकार द्वारा, पूज्य योगी महाराज जी द्वारा स्पोर्ट्स रहा, तो पूरे स्टेट के बच्चे यहाँ आए थे, बहुत शानदार प्रदर्शन किया।
विजेता गण से लेके सेकंड रनर अप सब लोगों ने बहुत, और ये आज ऐसे कुछ बच्चे हमको दिखाई दिए गोरखपुर के भी जो हमको ओलंपिक्स में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये बहुत सुखद अनुभव था और ये बहुत सुखद संकेत है कि आने वाला समय हमारा उत्तर प्रदेश बहुत सारे गोल्ड कांस्य और सिल्वर लेके आएगा और गोरखपुर के बच्चे उसमें बहुत अग्रीण भूमिका में रहेंगे। ये आज मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही है कि भाई ऐसी सरकार, आप लोग बड़े भाग्यशाली हो आजकल के बच्चे की, ऐसी सरकार आप लोगों को मिली है जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, निस्वार्थ सरकार जो हमारे बच्चों को, हमारे गांव देहात के ग्रामीण गरीब बच्चों को आगे बढ़ा रही है। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। 7 सितंबर को रेलवे स्टेशन गोरखपुर के बाहर धर्मशाला ब्रिज के पास से अगवा कर झाड़ियों में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म करने वाले तीनों अभियुक्तों को रेलवे जीआरपी थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तार करने वाली टीम को 10,000 का दिया पुरस्कार। एसपी रेलवे डॉक्टर अवधेश सिंह ने किया खुलासा। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 53वीं तथा राष्ट्रसंत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की आज पुण्यतिथि पर साप्ताहिक समारोह में संस्कृत एवं भारतीय संस्कृति विषयक संगोष्ठी में प्रख्यात संस्कृत शिक्षाविद पद्मश्री चमू कृष्ण शास्त्री ने कहा, भारत को जानने के लिए संस्कृत का ज्ञान है आवश्यक। संस्कृत एवं संस्कृति के समन्वय से ही साकार होगी एक भारत श्रेष्ठ भारत की धारणा। बंपर से रजिस्ट्रेशन नंबर छुपाने या हाई सिक्योरिटी नंबर नहीं लगाए ऑटो के खिलाफ एसपी ट्रैफिक एवं सीओ ट्रैफिक के नेतृत्व में चलाया गया अभियान। 55 ऑटो और 6 ई रिक्शा को यार्ड में भेजकर हटाया गया बंपर। सीओ ट्रैफिक जयप्रकाश सिंह ने कहा, अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार की गई कार्यवाही। दो दिवसीय प्रदेश जूनियर बालक बालिका एथलेटिक्स प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण के साथ हुआ समापन। मुख्य अतिथि सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने विजेताओं को किया पुरस्कृत। खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला, कहा, खूब खेलो, डटकर खेलो और कभी मत मानो हार, जरूर प्राप्त होगी सफलता। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 53वीं तथा राजसंत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की आज पुण्यतिथि पर साप्ताहिक समारोह के अंतर्गत चल रहे सप्त दिवसीय श्री राम कथा के तात्विक विवेचन के 5वें दिन कथा व्यास ने कहा, जब तक पृथ्वी पर वेद का पारायण, गायत्री का जप, यज्ञ हवन होते रहेंगे तब तक होती रहेगी पृथ्वी की रक्षा। देश की वन संपदा और वन्य जीवों के संरक्षण में बलिदान देने वालों को सम्मान देने के लिए मनाया गया राष्ट्रीय वन शहीदी दिवस। डीएफओ विकास यादव ने कहा, जंगल और जंगली जानवरों की सुरक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले कर्मचारियों को अर्पित की गई श्रद्धांजलि। थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए पुलिस लाइन में आयोजित किया गया स्वैच्छिक रक्तदान शिविर। एसपी ट्रैफिक द्वारा रक्तदान करने वाले लोगों को प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित। कहा, किसी भी दान करने से बड़ा महादान होता है रक्तदान। और गोरखपुर फुटबॉल लीग प्रतियोगिता के 4th दिन संतोष स्पोर्टिंग कोराबार व कोराबार फुटबॉल क्लब का मैच रहा बराबर। वहीं केंद्रीय विद्यालय एयरफोर्स ने केंद्रीय विद्यालय फर्टिलाइजर को 1-0 से किया पराजित। गोरखपुर फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव हमजा खान ने दी जानकारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 53वीं तथा राजसंत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की आज पुण्यतिथि पर साप्ताहिक समारोह के अंतर्गत चल रहे सप्त दिवसीय श्री राम कथा का तात्विक विवेचन के 5वें दिन कथा व्यास असरफी भवन अयोध्या के पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित जगत गुरु रामानुजाचार्य जी श्रीधराचार्य जी महाराज ने व्यास मंच से कहा कि ब्रह्म मुहूर्त का समय सतयुग का समय होता है, प्रातःकाल का समय त्रेता का समय होता है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त और प्रातःकाल में प्रभु का संकीर्तन अधिक लाभदायक होता है। जब तक पृथ्वी पर वेद का पारायण होता रहेगा, गायत्री का जप होता रहेगा, यज्ञ हवन होते रहेंगे तब तक पृथ्वी की रक्षा होती रहेगी। गौ और ब्राह्मण हमारे आधार हैं क्योंकि ये जगत के कल्याण के लिए ही अपना जीवन समर्पित किए हैं। गौ माता यज्ञ की जननी है क्योंकि यज्ञ की संपूर्ण सामग्री उन्हीं से मिलता है, पंचगव्य उन्हीं से प्राप्त होता है, बिना पंचगव्य के यज्ञ संभव नहीं है। ब्राह्मण वेद मंत्र व गायत्री मंत्र के माध्यम से लोक कल्याण की
की कामना करते हैं, इसलिए सदैव धर्मशील राजाओं द्वारा ब्राह्मण के लिए अनुकूल वातावरण दिया गया है। यदि भगवान की पूजा अर्चना बंद हो जाएगी, यज्ञ की स्वाहा की आवाज नहीं सुनाई देगी, पितरों का तर्पण नहीं होगा, तब भयंकर स्थिति होगी, घोर कलयुग आएगा। एक समय ऐसा था जब हम स्वतंत्र नहीं थे, बैठ के कथा नहीं सुन सकते थे, जिन्हें उदाहरण नहीं कर पाते थे, पर आज वातावरण अनुकूल है। हम भगवत मार्ग पर चलकर भगवत भजन में समय बिताकर परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। तपस्वी से बड़ा कोई शक्तिशाली नहीं हो सकता, क्योंकि तपस्वी किसी से प्रभावित नहीं होते हैं, वह वैरागी होते हैं, परंतु वन में राम के सुंदर रूप को देखकर सभी ऋषि मोहित हो जाते हैं। जो समाधि में स्थिर महापुरुष होते हैं, वे भी भगवान के गुण एवं रूप का अनुभव करते हैं, प्रभु के आनंद रूप का मंगलमय रसपान करते हैं। कहते हुए व्यास ने मंगलम मंगलम भजन सुनाया। कथा व्यास ने कहा, जितना अधिक भजन करोगे मन उतना अधिक निर्मल होगा, और प्रभु तो निर्मल मन में ही बसते हैं। मन को कैसे निर्मल करें? जैसे तीन अक्षर का साबुन लगाने से शरीर निर्मल हो जाता है, वैसे ही दो अक्षर प्रभु का नाम राम है, उसे जपने से मन निर्मल हो जाता है। कहते हुए उन्होंने राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन प्रभु राम का दर्शन पाएगा। भजन सुनाकर भाव विभोर कर दिया। भजन का महत्व बताते हुए कथा व्यास ने गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव मेरे राघव मेरे राघव मेरे राघव एवं जय दशरथ नंदन राघव जय यशोदा नंदन माधव भजन गाया। सर्वंग ऋषि का वर्णन करते हुए कथा व्यास कहते हैं कि वे प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त थे। इतने बड़े तपस्वी तथा ज्ञानी थे, जिनको लेने के लिए स्वर्ग से कई बार देवता विमान लेकर आए, किंतु उन्होंने जाने से मना कर दिया। जब भगवान चित्रकूट से आगे बढ़ते हैं तो मार्ग में ऋषि उनसे मिलते हैं। प्रभु से मिलकर वे बताते हैं कि मुझे आपके दर्शन के बाद ही परलोक जाना था, मुझे पता हो गया था कि आप अयोध्या से निकल चुके हैं, इसलिए मैंने बैकुंठ तक भी जाना उचित नहीं समझा। आपके चरण शरण को पाने के लिए मेरे पास कोई साधन नहीं था, आप मेरे भाग्य से मुझे मिले हैं, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। आप मुझे ठुकरा भी देंगे तो भी मैं आपके चरण में ही रहना चाहूँगा। जैसे आग की चिंगारी को कोयले के खंड से अलग करो तो चिंगारी बुझ जाएगी, और यदि किसी बड़े कोयले से जोड़ दो, जब तक बड़े कोयले का पिंड धड़कता रहेगा तब तक चिंगारी जलती रहेगी। उसी प्रकार हम जब तक श्री राम के चेतन से जुड़े रहेंगे, तब तक हम राम से समाहित रहेंगे, तब तक हम धर्म से जुड़े रहेंगे, राम का दर्शन लेते रहेंगे और आनंद की प्राप्ति करते रहेंगे। कथा व्यास ने मिलती है संतों की संगत कभी कभी, मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी, भजन सुनाते हुए कहा कि जीवन में कुछ बनाने का सबसे अच्छा मार्ग है सत्संग। बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है, इसलिए जब भी सत्संग मिले तो अवश्य लाभ लो, क्योंकि जीवन का उद्धार सत्संग से ही संभव होगा। जिस प्रकार के कुसंगति जीवन को नष्ट कर देती है, उसी प्रकार से सत्संग व्यक्ति के जीवन का उद्धार कर देता है। जब वन में सीता जी ने श्री राम से कहा कि आपका जीवन तपस्वी का जीवन है, धनुष बाण लेने की क्या आवश्यकता है, इसे ही आश्रम में रख दीजिए, तब श्री राम ने कहा कि मैं अपने आश्रितों की रक्षा के लिए संकल्पित हूँ, मुझे अगर अपनी भुजाएं भी कटानी पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा, धर्म की रक्षा के लिए मेरे हाथ में ये धनुष है। कथा का प्रारंभ व्यास मंच के पूजन तथा समापन आरती एवं प्रसाद वितरण से हुआ। कथा का संचालन डॉक्टर श्री भगवान सिंह ने किया। इस अवसर पर योगी कमलनाथ, महंत रविंद्र दास, महापौर सीताराम जायसवाल, अवधेश सिंह, गोरख सिंह, अजय कुमार सिंह, महेश पोद्दार, दुर्गेश बजाज, डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी, अरुणेश शाही, रंजीत सिंह, ब्रजेश मणि त्रिपाठी तथा विनय गौतम उपस्थित रहे। अनसुईया जी के आश्रम में प्रभु पधारे हैं, वहां की तपस्या प्रत्यक्ष दिख रही है। बड़ा सुंदर दिव्य स्थान है, चित्रकूट बहुत रमणीय, और महाराज जी का ध्यान तो इन तीर्थों में बहुत है। चित्रकूट पहले की अपेक्षा कितना संवरा है, बहुत सुंदर हुआ है, मार्ग बने हैं, रोप बन गया है, हनुमान धारा में कितने सारे अभी प्रकल्प चल रहे हैं।
ऐसे दिव्य रमणीय क्षेत्र में जरूर दर्शन करना चाहिए। प्रभु श्री राम अनसुईया जी की महिमा का बहुत वर्णन करते हैं और श्री अत्रि महर्षि का वर्णन करते हैं, और भगवती अनसुईया जी तो जानकी जी को बुला करके पूरी कथा पूछती हैं, जन्म से लेकर अब तक बड़े धैर्य से जानकी जी बताती हैं। तो अनसुईया जी पातिव्रत्य की शिक्षा जानकी जी को देती है, बड़े सुंदर आभूषण और वस्त्र बहुमान के रूप में देती हैं अनसुईया जी। तो जानकी जी बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। प्रभु राम बहुत गदगद हो जाते हैं, देखो देवी ये वस्त्र आभूषण देवताओं के देवियों के लिए भी दुर्लभ हैं, आज तुम्हें सौभाग्य से प्राप्त हुए हैं। वंदन कर, प्रणाम कर, नमन कर, अनसुईया जी के आश्रम से प्रभु राम चित्रकूट से दंडकारण्य की ओर प्रस्थान करते हैं। जानकी जी ने लिखा ब्रह्म लक्ष्मी, तपस्या क्या है, ब्रह्म लक्ष्मी के रूप में दिखाई दी। प्रभु राम ने लक्ष्मण से कहा धनुष मैं भी तक बाण को रख करके संधान करके चल रहे थे, लेकिन अब धनुष बाण को नीचे कर लो, यहां किसी असुर राक्षस की शक्ति काम नहीं कर सकती है, बहुत सावधानी से हमें चलना है। लक्ष्मण हमारे मन वाणी और हमारे पदचार से कहीं किसी ऋषि मुनि का कोई निरादर ना हो, जीव चाहे मुक्त हो जाए, पांच प्रकार के जीव हैं ना, नित्य मुक्त मुमुक्षु बद्ध और नित्य संसारी, पांच प्रकार के जीव। नित्य वे हैं जो भगवान के वैकुंठ में हैं, भगवान के साथ इस लोक में आते हैं और फिर भगवान के साथ वैकुंठ में चले जाते हैं, और मुक्त जीव वो हैं जो भगवान की कृपा से इस संसार से मुक्त होकर वैकुंठ में पहुंच गए दूसरे, और तीसरे जीव हैं मुमुक्षु जो मोक्ष की इच्छा चाहते हैं कि प्रकृति भगवत कैंकर्य में सेवा में भजन में बाधा डालती है, शरीर कभी रोगी हो जाता है, भूख प्यास लगने लगती, नींद लगने लगती है, तो ये प्रकृति ये शरीर ये संसार भगवान के भजन में बाधा डालता है, इसलिए इस प्रकृति से मुक्त होकर हम भगवान के वैकुंठ में जाना चाहते हैं, जिससे हम भगवान का वहां निर्विघ्न निर्बाध भजन कर सकें। इसलिए प्रकृति से मोक्ष चाहने वाले भक्त को मुमुक्षु कहते हैं, और चौथा प्रकार के भक्त होते हैं जो बद्ध जीव हैं, प्रकृति के बंधन में बंधे हुए हैं, और पांचवें प्रकार के जीव हैं जो नित्य संसारी हैं, वृक्ष हैं, पत्थर हैं, पर्वत के रूप में हैं, वो भी पता नहीं कितने कितने युगों तक वो इसी रूप में पड़े रहेंगे। अपने लोग किस श्रेणी में आते हैं, बोले बद्ध तो हैं ही, मुमुक्षु बनने की चेष्टा कर रहे हैं। कब मुमुक्षु बनेंगे, जब ये भाव हमारे अंदर तीव्र होगा कि शरीर और ये संसार प्रकृति प्राकृत मंडल पूरा, चाहे देवलोक हो चाहे नरक लोक हो चाहे मृत्यु लोक हो, 84 लाख शरीर कोई भी हो, ये सब हमारे भगवत भजन में बाधा डालने वाले हैं। ऐसी उत्कट इच्छा जब हो कि सबसे मुक्त होकर भगवान की सेवा में हम जाएं, तब हम मुमुक्षु कहलाते हैं और मोक्ष को प्राप्त होते हैं। सभी ऋषियों ने भगवान के चरणों में प्रार्थना की है, जितना हम भजन अधिक करेंगे मन निर्मल होगा और भगवत प्राप्ति के लिए उतना ही मन हमारा पुष्ट होगा, सुदृढ़ होगा।
परंतु मन को निर्मल कैसे करेंगे? बोले कपड़े में तीन अक्षर है ना, कापड़ा, अगर गंदा हो जाए तो तीन अक्षर वाली साबुन लगाते हैं तो साफ हो जाता है। वैसे अगर मन में दो अक्षर हैं, मन गड़बड़ हो गया, चंचल हो गया, अस्थिर हो गया, तो इस मन को निर्मल करने के लिए दो अक्षर वाला भगवान का नाम जपना है। नाम जप, नाम जप, नाम जप बावरे। कलयुग में तो विशेषकर कलयुग केवल नाम यधारा सुमिर सुमिर नर उतरही कलव नास्तेव 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 गतिरन्यथा नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। बड़ी नाम की महिमा है। कैसे भी मन नाम जपो, मन पवित्र होगा, पाप कटेगा, पुण्य मिलेगा, लेकिन एकाग्र चित्त होकर के अगर नाम जपे तो उसका विशेष लाभ है। जहां शरीर है वहां मन रहे, वहीं वाणी रहे, और वहीं आपका मंत्र जाप चले तो आपको जल्दी सफलता देगा। तो राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा तो निर्मल मन के दर्पण में प्रभु राम का दर्शन आओ जरा अनुभव कर लें। राम नाम के साबुन से, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा निर्मल मन के दर्पण में प्रभु राम का दर्शन पाएगा। मन मंदिर में तो देखेगा, मन मंदिर में तो ज्ञान की ज्योति जलाएगा निर्मल मन के दर्पण में प्रभु राम का दर्शन पाएगा निर्मल मन के दर्पण में प्रभु राम। वृक्ष के पीछे और देख रहे हैं लक्ष्मण जी, जानकी जी सोचते हैं क्या हो रहा है, प्रभु आनंद मग्न हो रहे हैं। बहुत देर हो गई, अंदर की छवि हटाई, बिल्कुल व्याकुल हुए, सामने देखा तो वही प्रभु श्री चरणों में लोट फूट गए। ऐसे भक्त के लिए ही तो भगवान अवतार लेते हैं। इस धरती में ऐसे प्रेमी जनों के लिए ही वैकुंठ से प्रभु आते हैं। रक्षो बधाई न केवलम विभो, राक्षसों का पद करना तो भगवान की चुटकियों का काम है, लेकिन ये जो भक्तों का आनंद प्राप्त करना और अपने दर्शन से आनंद देना ये बहुत दुर्लभ है। ये वैकुंठ में बैठकर भगवान नहीं कर सकते। भगवत दर्शन अनुभव करके कूदते हुए चलते हुए आनंद मग्न है, और ऐसी संपत्ति जब मिल जाए, भगवत भजन की संपत्ति, भगवत नाम की संपत्ति, सत्संग की संपत्ति, भगवत ध्यान स्मरण की संपत्ति, उससे बड़ी संपत्ति और कोई दूसरी नहीं। मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी, दिल की दौलत कभी कभी, दिल की दौलत कभी कभी, दिल की दौलत कभी कभी। Thank you.
उनके चरण की धूल मुझे प्राप्त हो जाए। किस है पुत्र को गोद में ले ले कंधे बैठाए से, अब बेटा कहीं नहीं पिताजी ने तो चरणों में रहूंगा, आपके गोद में कंधे में सिर बने। तो लखनलाल जी ने बात कही, जीवों के आचार्य हैं इसलिए उनके जीवन के अनुकरण को हमें भी सीखना, तभी तो लखनलाल जी प्रभु को अत्यंत प्रिय है। मालूम जानकी जी के बिना प्रभु राम 11,000 वर्ष तक रहे, लेकिन लखनलाल के बिना प्रभु राम एक दिन भी नहीं रहते इस धरा पर। वैकुंठ पधार जाते इतना प्रेम बताया कि एक उन्नत स्थान है, यहाँ वर्षा में जल भी नहीं भरेगा, पास में नदी है, पास में ये फल फूल लगे हुए हैं, यहाँ प्रण कुटीर का निर्माण हो जाए। श्री लखनलाल जी गए हैं, मोटे मोटे लकड़ियों के स्तंभ काट कर लाए हैं, ठोस तृण लाए हैं, बहुत सुंदर प्रण कुटीर का निर्माण किया है। जो आंधी में न उड़े, पानी कितना मूसलाधार बारिश हो पानी भी अंदर ना आवे, ऐसे कुशलता को देख करके जानकी जी के नेत्रों में आंसू आ गए और राम जी को इतने प्रसन्न हुए महाराज, इतने प्रसन्न हुए, लखनलाल को हृदय में लगा लिया। और एक वचन यहां राम जी ने कहा है जिसको न समझने के कारण लोग आक्षेप करते हैं राम जी पर। राम जी ने क्या कहा लखनलाल से, एक बात तो ये कही, न संवृत्ता पिता नम भावज्ञेन कृतज्ञेन न संवृत्ता पिता नम, जैसे पिता पुत्र का ध्यान रखता है, पुत्र के भाव को समझ करके उसको खिलाता पिलाता ध्यान रखता है, वैसे मेरे भावों को, मेरे सुविधाओं को, मेरे सुख को अच्छे से ध्यान में रख करके देने वाले हैं लक्ष्मण, ऐसा लगता है कि मेरे पिता दशरथ कहीं गए नहीं बल्कि तुम्हारे रूप में मेरे पिता के साथ चल रहे हैं। एक ये प्रमुख बात कही और दूसरी बात प्रभु राम ने कही, कदान्महं समेष्यामि भरतेन महात्मना शत्रुघ्नेन च वीरेण त्वयाचार भुनन्दन। कब ऐसा सुंदर समय आएगा कि मैं लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न तीनों से मिलूंगा। तीनों भाई भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण से मिलकर मुझे आनंद का अनुभव होगा, कब ऐसा सुंदर अवसर आएगा मेरे लिए। तो लोग आक्षेप करते हैं कि लखनलाल जी तो पास में हैं, कहना चाहिए कि कब भरत शत्रुघ्न मुझे मिलेंगे, परंतु उनको समझ लेना चाहिए। उसी प्रकार का भाव है राम जी का, जैसे कोई एक पुत्र विदेश में हो और पास में चार पुत्र हो, और दीपावली का अवसर हो तो मां नजदीक रहने वाले चार पुत्रों को याद नहीं करती, बार बार अपने विदेश रहने वाले पुत्र को याद करती है और उसको लगता है कि चार पुत्र नहीं नहीं मेरे पास। भाई भरत से इतना प्रेम है कि पास में रहते हुए भी लखनलाल जी ना के बराबर हैं। इसलिए प्रभु राम ने कहा कि कब समय आएगा कि तीनों भाई मेरे से मिलेंगे। पर्ण कुटीर का निर्माण कराकर प्रभु ने पुष्प बलि दी है, जो लोग आक्षेप करते हैं ना भिन्न भिन्न प्रकार का, तो यहां पुष्प बलि कृत्वा गृह प्रवेश होता है तो पूजन होता है, तो प्रभु राम ने पुष्प की बलि चढ़ा करके पूजन करके उस पर्ण कुटीर में प्रवेश किया है। बहुत आनंद से समय व्यतीत हो रहा है। श्री राघवेंद्र सरकार लखनलाल से और जानकी जी से भरत के कितने सुंदर गुणों का वर्णन करते हैं, भरत के समान तीनों लोक में कौन होगा, सारा जगत प्रभु को याद करता, स्मरण करता, गुणगान करता है। बड़े बड़े योगी ध्यानी मुनि भगवान का स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं,
लेकिन आज जगत के आधार प्रभु श्री राम भरतलाल को याद करते हैं, स्मरण करते हैं, उनके गुणों का वर्णन करते हैं, और किसी और से नहीं, लखनलाल से, और किसी दूसरे से नहीं, अपनी सहचरी जानकी जी से गुणों का वर्णन करते हैं। बड़ी सेवा की लखनलाल जी ने, जैसा कहा था कि अहम शरणम करिष्यामि जाग्रतम स्वप्नतश्चते, रात दिन जग कर मैं आपकी सेवा करूंगा, वैसे ही लखनलाल की सेवा कर रहे। सेवा देखकर प्रभु इतने प्रसन्न हुए, तब लखनलाल जी ने विद्यार्थी की तरह प्रभु राम से पूछा। राम जी ने अपने जीवन में उपदेश नहीं दिया, कहीं कहीं थोड़ा अपने आचरण से करके दिखाना समझाना है लोगों को, शिष्य को गुरु से कब कैसे प्रश्न जिज्ञासा करनी चाहिए, इसका भी विधान है। भगवान गीता में कहते हैं ना, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेशं किते ज्ञानं ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः। तत्वदर्शी ज्ञानी जनों के पास कुछ जानना है तो पहले वातावरण को अनुभव करो। ये नहीं कि अगले कोई ध्यान में है, भजन में है, पूजन में है, कोई चिंतन में है और आप पहुंच गए प्रश्न लेकर, आपको समाधान न मिलेगा। तद विधि प्रणिपाते न, प्रणाम करो, श्रद्धा भाव रखो, समर्पण भाव रखो, जिज्ञासा के भाव से प्रश्न करो, परीक्षा के भाव से नहीं। तब तब तो ज्ञानी जन तब तो ज्ञान का उपदेश करते हैं, सब भगवान गीता में कहते हैं। तो आज लखनलाल जी ने सेवा की है, प्रभु राम बहुत प्रसन्न है। पूछा, प्रभु माया क्या है, माया का स्वरूप क्या है, माया से बचने का उपाय क्या है। प्रभु राम ने बहुत अल्प शब्दों में बताया है, गोचर मन Oh,
देश की वन संपदा और वन जीवों के संरक्षण में देश के विभिन्न भागों में तैनात वन विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के बलिदान को सम्मान देने के लिए राष्ट्रीय वन शहीदी दिवस मनाया गया तथा गोरखपुर रेंज कार्यालय पर जंगल और जंगली जानवरों की सुरक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले कर्मचारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जिसके संबंध में DFO विकास यादव ने बताया कि 1730 में अमृता देवी के नेतृत्व में बिश्नोई जनजाति समुदाय के 360 लोगों को राजस्थान के जाली में राजा के आदेश पर मार डाला गया था, जो पेड़ों के काटे जाने का विरोध कर रहे थे। उन्हीं की स्मृति में यह दिन उन अधिकारियों और कर्मचारियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का दिन है, जो भारत के विशाल वनों एवं जंगलों का संरक्षण कठिन परिस्थितियों में भी करते हैं और संपदा की रक्षा में अपनी जान जोखिम में डालने से भी पीछे नहीं हटते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए DFO विकास यादव ने कहा, जैसे मुझे भी लगता था कि मैं भी कुछ उपलब्धि, पहले कॉलेज में पढ़ाई की, फिर बाहर गया, जापान 10 साल रह के आया, कुछ कुछ उपलब्धि होती हैं, लेकिन मेरी जितनी भी उपलब्धियां अभी तक थी, आज इन लोगों की जो है आत्मकथा सुनने के बाद मैं अपने आप बहुत तुच्छ महसूस कर रहा हूँ कि मैंने अपने जीवन में अभी तक कुछ भी नहीं किया है। यहाँ हमारे बीच उपस्थित श्रीमती सकुत्रा देवी जी, रामनगर जी, बीके गुप्ता जी और शौकत अली जी, आप ऐसे महानुभाव हैं जिनके जीवन से जो है ये तो मुझे, हम लोगों को आज कुछ समय, बहुमूल्य समय मैं कहूँगा, आप लोगों ने दिया और कुछ घटनाएं अपने जीवन की, और मैं मानता हूँ कि आपका जीवन इन घटनाओं से भरा हुआ होगा, जिसमें से एक दो घटनाएं आपने हम लोग सुनाई हैं। आपके साथ में जो काम लोग काम कर किए होंगे, आपके जो अधिकारी रहे होंगे, वो कितना आप लोगों से प्रभावित और खुश रहते होंगे, उसका मैं अनुभव भी नहीं कर पा रहा हूँ। और मैं मानता हूँ कि आप जैसे लोग जो हैं वो वन मैन आर्मी हैं, मतलब अगर किसी प्रभाग में या किसी रेंज में आप लोग जैसा एक भी अगर इंसान है तो पूरा रेंज आप लोग बिना किसी प्रॉब्लम के चला सकते हैं। देखिए, आज राष्ट्रीय वन शहीद दिवस है और इसको जो है मनाने की परंपरा बहुत पुरानी है। हमारे 1730 ईस्वी में 360 बिश्नोई समाज के महान वीरांगना और वीरों ने अपनी जो है वनों की सुरक्षा के लिए और पेड़ों की सुरक्षा के लिए वो लोग शहीद हुए। जब वहाँ के राजा ने ऑर्डर दिया कि पेड़ कटवाने हैं, तो उन्होंने अपने आप को पेड़ों से चिपका लिया और पहले उन लोग को शहीद होना पड़ा और उसके बाद पेड़ कटे। तो एक बहुत ही पुराना ऐतिहासिक है, इतिहास है इसका, और हम लोग इसमें प्रयास ये कर रहे हैं कि सभी जो वीरांगना वीर जो कि वनों की या वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए शहीद हुए हैं, उनके लिए एक श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे आज हम लोग। और उसके साथ ही जो हमारे वन विभाग में जिसमें उत्कृष्ट कार्य उन लोगों ने किए हैं, कहीं अपने प्राणों का बलिदान दिया है या बहुत ही प्राणों की अपनी जान को जोखिम में डालकर वनों की सुरक्षा की है, उन लोगों का सम्मानित किया जाएगा। और हमारा प्रयास रहेगा कि ऐसे लोगों को हर मंच पे सम्मानित किया जाए और एक जो प्रेरणा स्रोत है हमारे लिए, उनका हमेशा सम्मान किया जाए। थैलेसेमिया से पीड़ित बच्चों के लिए SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर के निर्देश पर पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 50 रक्तदाताओं ने रक्तदान करके अपना योगदान दिया। SP ट्रैफिक द्वारा रक्तदान करने वाले लोगों को प्रशस्ति पत्र भी दिया गया, जिसके संबंध में SP ट्रैफिक महेंद्र सिंह ने बताया कि रक्तदान शिविर का आयोजन पुलिस लाइन में गोरखपुर पुलिस के आरक्षियों द्वारा लगातार किया जाता है। उन्होंने जनपद वासियों को संदेश देते हुए कहा कि रक्तदान करने से बहुत से लोगों की जान बचा सकते हैं। किसी को दान करने से बड़ा रक्तदान करना महादान होता है। रक्तदान करने से किसी प्रकार के शरीर में कमजोरी नहीं आती है। सभी लोग रक्तदान जरूर करें। शिविर में ADC कार्यालय में नियुक्त आर्ची मुकेश सिंह सोलंकी, शिव अंबुज पटेल, शशांक तिवारी, अविनाश राय, जितेंद्र प्रजापति, प्रकाश वर्मा,
बलराम सैनी, राहुल दुबे सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए थैलीसीमिया पेशेंट स्निग्धा चटर्जी, फातिमा हॉस्पिटल की ब्लड बैंक प्रभारी सिस्टर रेमिया और SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, अरे आप भी ले लेंगे ना, वीडियो बन रहा है क्या? जो थैलेसीमिक बच्चे हैं क्योंकि वो पेरेंट्स सुन के ही कमजोर फील करने लगते हैं। हाँ, तो बस मेरी यही एक मुहिम रहेगी, जितने भी थैलेसीमिक बच्चे हैं उनको अपलिफ्ट करना है। और सीनियर पेशेंट को मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि यहाँ के जितने भी थैलेसीमिक पेशेंट हैं उनको, क्योंकि हम लोग आज देखिए ये थैलेसीमिया पूर्वांचल थैलेसीमिया सोसाइटी रोटरी क्लब और रक्तवीर क्लब के द्वारा शिवांबुज पटेल पुलिस लाइन के द्वारा लगाया गया है। और ये अध्यक्षता में ये हमारे SSP सर की अध्यक्षता में लगाया गया है।
थैलेसीमिया से थैलेसीमिया के योद्धाओं के लिए। मेरा ये कहना है, मैं स्निग्धा चटर्जी हूँ, मैं भी एक थैलेसीमिया वॉरियर हूँ और मैं इस बीमारी से 3 मंथ से ही अपने जब जन्म से ही 3 महीने की उम्र से ही मैं इस बीमारी की से ग्रसित हूँ। सो इन्हीं बच्चों के लिए, इन थैलेसीमिया के बच्चों के लिए ही आज ये रक्तदान शिविर लगाया गया है और मैं सभी का दिल से धन्यवाद देती हूँ जो भी बच्चे आज डोनेशन, जो भी लोग आज डोनेशन कर रहे हैं उन योद्धाओं को बनाने के लिए, थैलेसीमिया के योद्धाओं को बनाने के लिए। और बस सबको यही बोलना चाहूँगी कि आप अपना एक यूनिट ब्लड देके 3 लोग की जान बचाते हैं और प्लस ऐसे योद्धाओं को आगे बढ़ाने का एक कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो आप खुद में प्राउड फील करेंगे कि आपकी वजह से एक ऐसा थैलेसीमिया योद्धा जो आगे बढ़ रहा है। और बस मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगी इसी उपलक्ष्य में। ओके, तो मुझे हर 15 दिन पर ब्लड चढ़ता है, 2 यूनिट ब्लड लगता है, 2 लोग का खून मुझे एक ही बार में लग जाता है, तो कह सकते हैं 4 लोग का खून मुझे 1 महीने में लगता है। और ऐसा ही मुझे हर 15 डेज पर चढ़ता आता है। हमारे शरीर में क्या होता है कि जब ब्लड चढ़ता है, हमारे शरीर में जब ब्लड चढ़ता है तो वो ब्लड धीरे धीरे कम होने लगता है, वो ब्लड रहता नहीं है, वो ब्लड ख़त्म होने लगता है। इस वजह से हम दूसरों के ही खून पर आज जिंदा हैं और निर्भर हैं और उन्हीं के, दूसरों की ही वजह से हम इतना आज जी पा रहे हैं और अपने लिए और लोगों को प्राउड फील करा पा रहे हैं। मैं सिस्टर रम्या ब्लड बैंक प्रभारी के रूप में फातिमा हॉस्पिटल ब्लड बैंक में काम करते हैं। तो इस रक्तदान शिविर में स्वेच्छा से जितना भी डोनर हम लोगों के पास आते हैं, हम इस शिविर में आया है तो जो देते हैं उसके लिए हम ब्लड प्रोवाइड करते हैं थैलेसीमिया पेशेंट के लिए। हमारे पास अभी बहुत सारे थैलेसीमिया से जो बच्चे आते हैं उसके लिए हम ब्लड प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए ट्रीटमेंट का जो भी सुविधाएँ हमारे तरफ से उपलब्ध कराना है वो कराते हैं हम लोग ब्लड बैंक के तरफ से। अभी बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, हर महीने में हम लोग 15 यूनिट्स, किसी 15 से 20 यूनिट ब्लड्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं जो भी ग्रुप का है। तो हम लोग स्वेच्छा से जो भी ब्लड देते हैं उन्हीं को बुलाते हैं, उनके द्वारा हम लोग ब्लड प्रोवाइड करते हैं। और जो भी मेरा ये अनुरोध है सब लोगों से, ब्लड देने से तो हमारे शरीर के लिए भी फ़ायदा होता है, तो इसलिए हम हमेशा ब्लड देना चाहिए। हम तो अपने से स्वयं हम 27 टाइम ब्लड दिया है, हर 3 महीने में 6 महीने में हम ब्लड देते रहते हैं, तो हम दूसरों से ही ये उम्मीद करते हैं आप आगे आए और ऐसे बच्चों लोगों के लिए ब्लड डोनेट करें। आज पूर्वांचल थैलासीमिक वेलफेयर सोसाइटी द्वारा और पुलिस के हमारे 2 आरक्षी हैं शिवाम्बुज पटेल और मुकेश कुमार सिंह, इन दोनों, ये दो हमारे यहाँ एडीजी जोन साहब के यहाँ कार्यरत हैं। तो एडीजी महोदय की प्रेरणा और एसएसपी महोदय के निर्देशन में ये ब्लड कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया गया। ये रेगुलर रूप से गोरखपुर पुलिस के आरक्षियों द्वारा किया जाता रहा है और इस ब्लड डोनेशन कैंप से हम समाज को ये मैसेज देना चाहते हैं कि ब्लड डोनेट करने से हम बहुत सारे लोगों की जान बचा सकते हैं और ब्लड डोनेट करने से शरीर में किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आती है। यहाँ पर जिन लोगों ने भी डोनेट किया उनके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि सोसाइटी के लिए एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ उनसे एक ये अनुरोध है कि समाज में जाके अपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी और अपने अड़ोस पड़ोस में वन टू वन टॉक में भी सब लोगों के लिए ये मैसेज जरूर दें कि ब्लड डोनेशन से कोई कमजोरी नहीं आती है, ये गलतफहमी लोगों के मन से निकालें और इस नोबल काज के लिए लोग आगे आएँ। गोरखपुर फुटबॉल एसोसिएशन के तत्वाधान में सेंट एंड्रयूज महाविद्यालय के मैदान में चल रहे गोरखपुर फुटबॉल लीग प्रतियोगिता के 4th दिन पहला मैच संतोष स्पोर्टिंग खोराबार व खोराबार फुटबॉल क्लब के बीच खेला गया तथा दूसरा मैच केंद्रीय विद्यालय एयरफोर्स और केंद्रीय विद्यालय फर्टिलाइजर के बीच खेला गया, जिसमें संतोष स्पोर्टिंग खोराबार व खोराबार फुटबॉल क्लब 0-0 की बराबरी पर रही। वहीं केंद्रीय विद्यालय एयरफोर्स ने केंद्रीय विद्यालय फर्टिलाइजर को 1-0 से पराजित किया, जिसके संबंध में गोरखपुर फुटबॉल लीग प्रतियोगिता के संयोजक एवं गोरखपुर फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव हमजा खान ने बताया कि खोराबार की 2 टीमें एक ही टीम से बनी है, 2 टीम बनी हुई है जो आज इस ग्राउंड में खेल रही है। उन्होंने कहा कि सभी खिलाड़ी संघर्षपूर्वक खेल रहे हैं तथा
यह फुटबॉल प्रतियोगिता बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है और आने वाले दर्शक भी लुत्फ उठा रहे हैं। इस अवसर पर अजय शर्मा, वीरेंद्र पासवान, उमेश सिंह, गौतम सरकार, संजय साहनी, धर्मेंद्र, अनिल कृष्ण, प्रताप श्रीवास्तव, मेहताब अहमद सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए फुटबॉल लीग प्रतियोगिता के संयोजक एवं गोरखपुर फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव हमजा खान ने कहा, तो जरा विश्वास मार दे। नहीं आ रहा तू भाई, ज्यादा वो लगा मैं नहीं खड़ी है। हमजा खान, फुटबॉल सेक्रेटरी गोरखपुर फुटबॉल एसोसिएशन के तत्वावधान में, जो कि उत्तर प्रदेश फुटबॉल संघ से संबद्ध है, वो लीग सिंधी महाविद्यालय के फुटबॉल मैदान पे खेला जा रहा है और ये मैच नंबर 7 है। आज के दिन जो पहला मैच खेला जा रहा है संतोष स्पोर्टिंग खोराबार और खोराबार एफसी के बीच। अभी तक जो मैच हुआ ये 0-0 का है, ये मध्यांतर के पूर्व का मैच है और आपके समक्ष ये खेला जा रहा है मैच नंबर 7। और इसके बाद तुरंत पूल डी का एक मैच होगा, जो उनमें भी केंद्रीय विद्यालय एयरफोर्स और फिर केंद्रीय विद्यालय 2 फर्टिलाइज़र, उन दोनों का मैच, ये पूल डी का मैच होगा इस मैच के तुरंत बाद। किन किन टीमों के बीच होगा, क्या नाम है ये? फुटबॉल संतोष स्पोर्टिंग खोराबार और फुटबॉल क्लब खोराबार, दोनों टीमें हैं ये खोराबार की, एक ही टीमें हैं। वो स्प्लिट अप होकर दो टीम अलग अलग, जैसे दो भाई अलग हो जाते हैं उसी तरह इनका भी है, एक टीम से ये दो टीम बन गए और एक ही एज ग्रुप की टीम है ये। आप देख रहे हैं संघर्षपूर्ण मुकाबला है ये आपके समक्ष। आज के लिए बस इतना ही, जाने से पहले एक नजर हेडलाइन पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। 7 सितंबर को रेलवे स्टेशन गोरखपुर के बाहर धर्मशाला ब्रिज के पास से अगवा कर झाड़ियों में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म करने वाले तीनों अभियुक्तों को रेलवे जीआरपी थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तार करने वाली टीम को 10,000 का दिया पुरस्कार। एसपी रेलवे डॉक्टर अवधेश सिंह ने किया खुलासा। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ की 53वीं तथा राष्ट्रसंत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की आज पुण्यतिथि पर साप्ताहिक समारोह में संस्कृत एवं भारतीय संस्कृति विषयक संगोष्ठी में प्रख्यात संस्कृत शिक्षाविद पद्मश्री चमू कृष्ण शास्त्री ने कहा, भारत को जानने के लिए संस्कृत का ज्ञान है आवश्यक। संस्कृत एवं संस्कृति के समन्वय से ही साकार होगी एक भारत श्रेष्ठ भारत की धारणा। बंपर से रजिस्ट्रेशन नंबर छुपाने या हाई सिक्योरिटी नंबर नहीं लगाए ऑटो के खिलाफ एसपी ट्रैफिक एवं सीओ ट्रैफिक के नेतृत्व में चलाया गया अभियान। 55 ऑटो और 6 ई रिक्शा को यार्ड में भेजकर हटाया गया बंपर। सीओ ट्रैफिक जयप्रकाश सिंह ने कहा, अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार की गई कार्यवाही। दो दिवसीय प्रदेश जूनियर बालक बालिका एथलेटिक्स प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण के साथ हुआ समापन। मुख्य अतिथि सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने विजेताओं को किया पुरस्कृत। खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला, कहा, खूब खेलो, डटकर खेलो और कभी मत मानो हार, जरूर प्राप्त होगी सफलता।
योग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ की 53वीं तथा राज संत ब्रह्मलीन महंत अवैध नाथ की आज भी पुण्यतिथि पर साप्ताहिक समारोह के अंतर्गत चल रहे सप्त दिवसीय श्री राम कथा के तात्विक विवेचन के पांचवें दिन कथा व्यास ने कहा, जब तक पृथ्वी पर वेद का पारायण, गायत्री का जप, यज्ञ हवन होते रहेंगे, तब तक होती रहेगी पृथ्वी की रक्षा। देश की वन संपदा और वन्य जीवों के संरक्षण में बलिदान देने वालों को सम्मान देने के लिए मनाया गया राष्ट्रीय वन शहीदी दिवस। डीएफओ विकास यादव ने कहा, जंगल और जंगली जानवरों की सुरक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले कर्मचारियों को अर्पित की गई श्रद्धांजलि। थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए पुलिस लाइन में आयोजित किया गया स्वैच्छिक रक्तदान शिविर। एसपी ट्रैफिक द्वारा रक्तदान करने वाले लोगों को प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित। कहा, किसी भी दान करने से बड़ा महादान होता है रक्तदान। और गोरखपुर फुटबॉल लीग प्रतियोगिता के चौथे दिन संतोष स्पोर्टिंग कोराबार व कोराबार फुटबॉल क्लब का मैच रहा बराबर। वहीं केंद्रीय विद्यालय एयरफोर्स ने केंद्रीय विद्यालय फर्टिलाइजर को 1-0 से किया पराजित। गोरखपुर फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव हमजा खान ने दी जानकारी। अब मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।